हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार हिम्मत शाह जी के ऊपर और यह प्रश्नोत्तर का वीडियो। इससे पहले मैं इनकी कला यात्रा का विस्तृत वीडियो एक बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस प्रश्नोत्तर के वीडियो को देखेंगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं हिम्मत शाह जी के ऊपर प्रश्नोत्तरों को। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, आप एक पेन पेपर साथ लेकर बैठें और जैसे ही क्वेश्चन आता है आप अपने आंसर लिखते जाएं, और फिर लास्ट में आप काउंट करें कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो पहला क्वेश्चन है, समकालीन कलाकार हिम्मत शाह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, लोथल गुजरात में जन्म हुआ था। चूँकि ये हिम्मत शाह जी के ऊपर सेकेंड वीडियो है, रिविज़न है ये, इसलिए ये थोड़ा फास्ट रहेगा। डिटेल वीडियो के लिए फर्स्ट वीडियो जरूर देख ले, जिसमें इनकी कला यात्रा को मैंने विस्तृत रूप से बताया है। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1933 में, ऑप्शन बी है इसका आंसर। 22 जुलाई 1933 लोथल गुजरात में हिम्मत शाह जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह का पसंदीदा माध्यम क्या है? इन्होंने चित्र भी बनाए, रेखा चित्र भी बनाए और सबसे ज़्यादा मूर्ति शिल्प बनाए, तो मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो उसी का माध्यम पूछा गया है। तो माध्यम है उनका पसंदीदा, जिसमें ज़्यादा काम किया वो है टेराकोटा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह को कालिदास पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है कलाकारों को, ये मिला था उन्हें 2003 में, ऑप्शन बी है इसका आंसर, 2003। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह ने 1953 में कहाँ से ड्राइंग टीचर का कोर्स किया था? तो 1953 में उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से ड्राइंग टीचर का कोर्स किया था, ऑप्शन ए है इसका आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें आप। अगला है, हिम्मत शाह किस कलाकार समूह में संस्थापक सदस्य थे? तो ये संस्थापक सदस्य थे ग्रुप 1890, ऑप्शन सी है इसका आंसर, जिसके संस्थापक थे स्वामीनाथन जी, जे स्वामीनाथन, जिनका पूरा नाम है जगदीश स्वामीनाथन जी। उन्होंने शुरू किया था ग्रुप और उसमें संस्थापक सदस्य थे हिम्मत शाह जी और अन्य कलाकार थे, टोटल 12 कलाकार थे इस समूह में। अगला क्वेश्चन है, हिम्मत शाह ने एचिंग तकनीक किससे सीखी? तो ये गए थे एटेलियर 17 में शामिल हुए, वहाँ पर उन्होंने एचिंग तकनीक सीखी कृष्ण रेड्डी जी से, ऑप्शन ए है इसका आंसर। फ्रांस की इनको स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिली थी और ये फ्रांस गए थे पेरिस, वहाँ पर उन्होंने कृष्ण रेड्डी जी से एचिंग तकनीक सीखी थी। अगला क्वेश्चन है, हिम्मत शाह को फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति यानी कि फेलोशिप किस वर्ष प्राप्त हुई? तो ये मिली थी उन्हें 1966-67 में, ऑप्शन ए है इसका आंसर, जहाँ पर जाकर उन्होंने एचिंग तकनीक सीखी कृष्ण रेड्डी जी से। अगला क्वेश्चन है, हिम्मत शाह ने टेराकोटा में पहला मस्तक किस वर्ष में निर्मित किया? तो टेराकोटा में उन्होंने पहला हेड जो बनाया था, मस्तक यानी कि हेड, यहाँ लिख देती हूँ मैं, हेड बनाया उन्होंने मस्तक, ये बनाया 1981 में, ये बनाया टेराकोटा में पहला हेड 1981 में, ए है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह ने उठा हुआ हाथ मूर्ति शिल्प किस वर्ष निर्मित किया? तो ये उन्होंने बनाया था 1979 में, इसका आंसर है ऑप्शन ए, उठा हुआ हाथ, ये काफ़ी फेमस इनका मूर्ति शिल्प है, 1979 में उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम्मत शाह ने मूर्ति शिल्प जो बनाया हेड 2006 में, वो किस माध्यम में बनाया? तो ये 2006 का जो हेड बनाया है वो बनाया उन्होंने कांसे में,
ऑप्शन ए है इसका आंसर, कांस्य में, ब्रोंज में उन्होंने हेड बनाया 2006 में। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित हुई? ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य थे हिमा शाह जी, और इसकी पहली एग्जीबिशन हुई थी दिल्ली ललित कला में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली ललित कला में इसकी पहली एग्जीबिशन हुई थी 1963 में। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप 1890 की पहली जो प्रदर्शनी हुई उसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन बी है इसका आंसर, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में हिम्मत शाह ने किसके निर्देशन में कला का अध्ययन किया? तो एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में इन्होंने जो सीखा वो उनके गुरु रहे एनएस बेंद्रे जी, कला का अध्ययन उन्होंने किया एनएस बेंद्रे जी के निर्देशन में। ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हिम्मत शाह जी ने अपना स्टूडियो कहाँ पर स्थापित किया है? 2000 में इन्होंने अपना स्टूडियो स्थापित किया जयपुर में, और वर्तमान में जयपुर में ही रहे अपना कार्य कर रहे हैं। तो आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर में इनका स्टूडियो है अब। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह जी की जो कला है उस पर किसका प्रभाव है? तो ये इंस्पायर हुए भारतीय लोक कला से। ऑप्शन बी है इसका आंसर, इनके आप मूर्ति शिल्पों को, चित्रों को देखेंगे तो जान पाएंगे कि भारतीय लोक कला का इस पर प्रभाव है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिम्मत शाह जी की कला यात्रा पर, और ये काफ़ी डिटेल में मैंने लाने की कोशिश की है जिससे कि आपकी अच्छी हेल्प हो पाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें, अगर अपने स्टडी ग्रुप में आप शेयर करना चाहते हैं तो। अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, गुड लक, जय हिंद।